आधे राधे फ्रेंड्स चलिए बनाते हैं इस दिवाली पानी वाली दिए तो बहुत ही ज़्यादा आजकल ट्रेंडिंग चल रही है ये पानी वाले दिए इसके लिए सबसे तो पहले हमें क्या चाहिए देख लेते हैं इस तरह की छोटी साइज वाली ग्लास चाहिए हमें डिज़ाइन वाले हो तो अच्छा है इस तरह से प्लेन रहे तो भी अच्छा आपके पास जो भी अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं इस तरह की कटोरियाँ हैं तो आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं मेरे पास ऐसे ऐसी कटोरियाँ थी वो भी मैंने ली हुई है सबसे पहले हमें क्या करना है इन ग्लासेस में पानी भर लेना है तो इन ग्लासेस को हमने भरा हुआ पूरा इसमें लोग एक एक इंच की हम यहाँ पर स्पेस रखेंगे यहाँ पर पानी थोड़ा सा हम छोड़ देंगे पूरा का पूरा हमें नहीं भरना है अब इस तरह के फ्लावर्स जो होते हैं बहुत ही कॉमनली सबके पास मिल जाते हैं नहीं हो तो गुलाब की पंखुड़ियाँ ले लीजिए और नहीं है क्या कीजिए तोड़ करके इस तरह से यहाँ पर मैंने इन फ्लावर्स को ऊपर की डंठल जो इनकी तोड़ ली है और तोड़ करके इस तरह से मैं इन्हें ले ली हूँ और इसी तरीके से सभी को डंठलों को हम तोड़ देंगे और तोड़ करके ले लेंगे गुलाब की पंखुड़ियाँ हैं तो उनकी एक एक पंखुड़ियों को अलग कर लीजिए और फिर उन्हें इस तरह से ग्लास में डाल दीजिए जिससे कि देखने में इनका लुक काफ़ी खूबसूरत लगता है और ये काफ़ी ज़्यादा प्यारे लगते हैं बस इसी तरह से हमें यहाँ पर पंखुड़ियों को थोड़ा थोड़ा एक दो तोड़ करके और यहाँ पर ऐड कर देना है और इसी के साथ हमें इसकी लुक को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए मैंने क्या किया था ग्लास के साइड साइड्स में थोड़ी सी पंखुड़ियों को हाथों से गीला कर करके और फिर यहाँ पर मैंने इन्हें चिपका दिया और जिससे कि ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहे थे इनसे सब रोशनी निकल रही थी ना तो अलग अलग तरीके के अलग अलग डिज़ाइंस बन रही थी इस तरह से वो देखने में भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे और अंधेरे में जब जलते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं तो यहाँ पर मैंने साइड्स में भी पंखुड़िया लगा दी और साथ में मैंने यहाँ पर आगे की तरफ छोड़ दिया हुआ था जिससे कि पीछे की तरफ डिजाइन बने और आगे की तरफ से पूरी रो, पूरी रोशनी आए तो यहाँ पर मैंने इस तरह से पहला बनाया उसके बाद से दूसरे वाले ग्लास में मैंने क्या किया इस तरह से नॉर्मली जो भगवान के माले होते हैं या फिर जो भी हमारे पास आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है जो खराब हो जाती है तो हम फेंक देते हैं अगर आपके पास टूटी फूटी हो तो आप उन्हें ले लीजिए और ले करके इसी पानी में डाल दीजिए तो मैंने यहाँ पर आज भगवान के मंदिर में सफाई की हुई थी तो उनके बहुत सारे माले थे जो टूट गए थे तो मैंने उन्हें फेंकने के बजाय धुल कर से साफ़ कर लिया और फिर मैंने इसी माले को इसमें डाल दिया हुआ है इस तरह से काफ़ी ज़्यादा दिखने में देखिए आप लोग कितने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं और इस तरह से जब आप इसमें दिए डाल करके चलाओगे ना तो वो और भी ज़्यादा प्यारे लगेंगे बस इस तरह से मैंने यहाँ पर दो ग्लासेस को यहाँ पर इसी माले से डाल करके सजा लिया हुआ है अब हमें क्या करना है तीसरे वाले क्लास को देख लेते हैं इस तरह से मैंने चार से पांच तरीके से आज ग्लासेस को सजाया और बताया हुआ कि कैसे इन्हें आप सजा सकते हैं आप अलग अलग जो भी आपके पास अवेलेबल हो उस तरीके से आप यहाँ पर इन्हें सजा सकते हैं अगर घर में आपके आर्टिफिशियल ज्वेलरीज में अंगूठियाँ हैं कान में की हैं ये सब खराब हो चुके हैं आप इनमें यहाँ पर ऐड कर सकते हैं इसी कि वो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे और साथ में इस्तेमाल में भी आ जाएंगे तो इस दिवाली आप इस तरह से अपने घर में अलग अलग तरीके के पानी के दिए बनाइए और इन्हें ससा लीजिए तो इस तरह से मैंने यहाँ पर थोड़े से और ज़्यादा नीचे की नीची तरफ यहाँ पर मैंने कुछ आर्टिफिशल जो हैं वो डाल दिए हुए हैं नक्स वगैरह और साथ में थोड़े से फ्लावर्स को ऊपर से तोड़ करके यहाँ पर ऐड कर दिया हुआ है इसी के साथ मैंने क्या किया था थोड़ी सी बहुत सी तरह की मोतियाँ जो हैं अभी और बची हुई थी मेरे पास तो मैंने उन्हें भी इस तरह से निकाल लिया हुआ है और इसी ग्लास में नीचे की तरफ डाल दिया हो जिससे कि वो देखने में और भी ज़्यादा खूबसूरत लगे तो इस तरह से मैंने सारे में थोड़े से पर्ल्स थोड़े से फ्लावर्स इस तरह से अलग अलग तरीके से ऐड कर लिया हुआ है बस इसी तरीके से हमने सारे ग्लासेस को सजा लेना है और इसी तरह से मैंने जो बाकी की ग्लास थी उसमें भी थोड़े से और पॉल्स ऐड कर दिए थे थोड़े ज़्यादा मतलब चार भगवान जी हैं लो सीता जी लक्ष्मण जी राम जी तो सबके माले बचे हुए थे तो मैंने सोचा फेंकने से अच्छा है कि मैंने इसका इस्तेमाल कर लूँ और थोड़ा सा आप लोगों के लोग इस रेसिपी के साथ कुछ अलग शेयर करूँ ताकि आप दिवाली पर अपने घर को भी अच्छे से सजा सकें ऐसी चीज़ों से जो कि आप खास करके फेंक देते हैं इन्हें अच्छे से धुल करके साफ कर लेंगे तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे इन ग्लास में देखने में अंधेरे में बहुत ही प्यारी लगती है जब इस पर लाइट्स पड़ती हैं तो।, तो इस तरह से हमने यहाँ पर दूसरा छोटा सा कटोरी ले लिया उसमें भी फ्लावर्स डाल करके सजा दिया हुआ है और फिर मैंने क्या किया इस तरह से कॉटन वाली ले ली ली हुई है अगर आपके पास रुई बत्ती बनी हुई मार्केट से तो बहुत अच्छा है वरना मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छे से बनानी आती नहीं है वैसे लेकिन फिर भी मैं ट्राई कर रही थी कि हाँ मेरे से अच्छे से बन जाए और फिर मैंने इस तरह से लेकर के रुई बत्ती को अच्छे से हाथों से घुमाते हुए ऊपर की तरफ पतली सी करके की एक बत्ती बना ली है यहाँ पर मैं बता दूँ आप लोगों को कि बत्ती मोटी ही थोड़ी रखिएगा बहुत ज़्यादा पतली रहेंगी तो बहुत जल्दी से वो बुझ जाएंगे इस बात का खास करके ध्यान रखिएगा कि बत्ती जो है मैं मोटी मोटी बनानी है तो इस तरह से मैंने यहाँ पर बना करके लगभग जितनी भी हमें बनानी है पाँच से छः यहाँ पर बना करके मैंने रख ली हुई थी इस तरह से मोटी मोटी ताकि ये अच्छे से मैं इसमें डाल करके इस्तेमाल कर सकूँ इसी के साथ मैंने सोचा कि बहुत ज़्यादा मोती मोती हो रहा है तो मैंने क्या किया एक ग्लास में ले लिया इसमें पानी ऐड कर लिया फिर से और यही ध्यान रखेंगे कि ऊपर की ऊंचाई में हम एक इंच के आसपास जगह छोड़ देंगे जिससे कि रोशनी अच्छे से आ सके फिर मैंने नींबू के इस तरह से पतले पतले साइजेस कट कर ली हुई हैं और उन्हें इसी में डाल दिया इस तरह से देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं और आदमी आप इसे घर के इस्तेमाल भी कर सकते हो पानी या आराम से नींबू को कट कर लो या नीम निचोड़ करके फिर उसमें कट करके इसमें डाल दीजिए इस तरह से देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगेंगे और ये इस आप इस्तेमाल भी कर लेंगे फिर मैंने इस तरह से पतले पतले इसको कट कर लिया अब इसमें दिए चलाने के लिए हमें क्या करना है इस तरह से ढक्कन ले लेने हैं और ढक्कनों को बस किस तरह से क्या करना है हमें ऊपर की तरफ चाकू लेना है चाकू के पतले वाली नोक जो होती है उसे गर्म कर लेना ये वाली इसे गर्म कर लीजिएगा अच्छे से और गर्म करने के बाद इसमें होल कर लीजिएगा इतने अच्छे से होल करेंगे इसमें से बात आराम से निकल जाए और अच्छे से यहाँ पर टिकी रहे तो बस यहाँ पर मैंने इस तरह से छोटे छोटे हॉल्स कर लिए हैं दो ढक्कन लिए हुए हैं अगर आपके पास ढक्कन नहीं है तो फिर क्या कीजिए इस तरह से बॉटल होती हैं जो नॉर्मली कोल्ड ड्रिंक्स वाली वो ले लीजिए और उन्हें ले करके कट कर लीजिए कट करके जो इसके बीच वाला हिस्सा होता है एक बराबर का जो होता है उसे हम काट करके निकाल लेंगे और निकाल करके फिर इस तरह से इसे हम पतले पतले साइज़ में कट कर लेंगे देख रहे हैं आप इस तरह से मैंने बहुत ज़्यादा इसे चौड़ा नहीं रखी हुई है इस तरह से लगभग एक ही डेढ़ डेढ़ इंच के आसपास मैंने रखी हुई है बहुत ज़्यादा इसे हम चौड़ा नहीं रखेंगे इतनी रखेंगे कि आराम से हमारे हमारी क्लासेस में आ जाए इस तरह से मैंने कट कर लिया फिर मैंने किनारों के कट करते हुए गोल सा सेप दे रही हूँ जिसे मैंने यहाँ पर गोल सा कट कर लिया हुआ है इसके बाद से इस तरह से हम इसे बीचों बीच में कट लगाएंगे और पूरा का पूरा में नहीं कटना सिर्फ आधा ही कट करके निकालना है देख रहे हैं आप इस तरह से बस इसी तरीके से हमें कट कर लेना है इसके बाद से हमने बाकी की जो है उन्हें भी हम किनारों से कट कर लेंगे या फिर आप चाहें तो इस तरह से स्क्ॉर शेप में भी छोड़ सकते हैं ये आराम से ऐसे भी बहुत ही अच्छी तरीके से पानी में तैरेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी हमारी अब हमें क्या करना है इस तरह से चाकू को गर्म करके इनमें भी बीचों बीच में होल कर देना है ताकि इसमें भी अच्छे से ताकि इसमें से भी हम बत्ती को आराम से निकाल सकें तो इस तरह से बाकी की जितने भी प्लास्टिक की इस तरह से सीट सी छोटी चुट छोटी उन्हें हम अच्छे तरीके से यहाँ पर रोल कर लिया फिर हमने क्या किया बाती को इस तरह से पहले तो अच्छे से रोल करके इन्हें पतला कर लीजिएगा और इसीलिए मैंने कहा था कि थोड़ी सी इसकी बाती की साइज को मोटा रखिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पतली रहती हैं तो फिर ये जल करके तुरंत ही खत्म हो जाती है तो इसलिए थोड़ी मोटी मोटी -मु रखिएगा और मार्केट वाली वो तो बहुत अच्छी बात है उन्हें ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा और नहीं हो तो भी मैं बताऊँगी आपको कि अगर ये वाली बत्ती नहीं है तो आपको क्या करना है हमें सबसे पहले क्या करना है रोई की बातियाँ अगर हैं तो उन्हें पहले तो आप अच्छे से ऑयल में डिप करके भिगो करके रख दीजिएगा बहुत ज़्यादा ऑयली ऑयली मत रखिएगा थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का हाथों से दबाते हुए उनका हम एक्स्ट्रा ऑयल निकाल देंगे तो पहले ये जल्दी रखी हुई इसे मैंने अच्छे से पानी एक बार तेल में डुबो लिया हुआ डुबो करके साइड में रख रही हूँ और बाकी की जो बातियाँ हैं उन्हें हम इस तरह से अच्छे से पहले तेल में डुबो देंगे जिससे कि वो अच्छी तरीके से तेल को पी लें और अच्छे से दबाते हुए ऊपर से हम जो ऊपर वाले इस तरह का वो अच्छे से मसल देंगे जिसमें से उसमें से ऑयल निकल जाए और पीछे वाले वे में से हल्का हल्का बस इस तरह से दबा देंगे ताकि उसमें ऑयल रहे लंबे टाइम तक तो इस तरह से हमने यहाँ पर सारी सारी बातियों को तैयार कर लिया हुआ है और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम इतनी सी ही बातियों से इतनी ही तेल से इसे जलाएंगे थोड़ी देर के लिए हम इसे काफ़ी लंबे टाइम तक जलाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी कैसे हम इसे लंबे टाइम तक जला सकते हैं अब इसे मैंने जो ढक्कन वाला रखा था उसमें भी बाती डाल दी हुई और इस तरह से हमने इसे आर पार कर लिया हुआ है बत्ती के बस इस तरीके से हमने जो इस तरह से प्लास्टिक वाले को कट करके लिया हुआ था उसे भी हमने इस तरह से बाती को इस धीरे से किनारे की तरफ से डालना है और धीरे धीरे इस तरह से खींचना है जिससे कि ये बीचों बीच में पहुँच जाए और अच्छी तरीके से सेट हो जाए अब इसी के साथ मैं फ्रेंड्स बता दूँ कि मैंने इस तरह से आपको तीन तरीके बताएं आप तीनों में से कोई भी एक ट्राई कर सकते हैं तो यहाँ पर हमने सारे के सारे प्लास्टिक्स को कट कर लिया हुआ है ढक्कन को ले लिया हुआ इसमें से आपके पास जो भी अवेलेबल हो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर सभी को हमने ग्लासेस में इस तरह से एक एक करके रख दिया हुआ है और इस तरीके से आप जो चीज़ें नहीं यूज़ करते हैं कर मेरे प्लास्टिक्स के ढक्कन हो गए डब्बे के ढक्कन हो गए इसे फेंक देते हैं तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से क्लीन करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस दिवाली में अब हमें क्या करना है अगर आपको लंबे टाइम तक इसे जलाना है थोड़ थोड़ा थोड़ा ऑयल ले लीजिए और इस तरह से इन्हें गिरा दीजिए दे। जितनी देर आपको जलाना है उतना तेल इसमें डाल दीजिए और डाल के छोड़ दीजिए इस तरह से पानी के ऊपर तेल आ जाता है और सारा का सारा तेल जो है वो इकट्ठा हो जाता है बत्तियों के पास में इस तरह से वो लंबे टाइम तक धीरे धीरे जलता ही रहता है चलिए तेल हमने डाल दिए अब हम लाइट्स को ऑफ कर देते हैं और अब बत्तियों को जलाते हैं जिससे कि देखते हैं कि कैसी लग रही हैं जलने के बाद इस तरीके से मैंने एक एक करके यहाँ पर बत्तियों को जला दिया हुआ है और देख रहे हैं आप सभी कि कितनी ज़्यादा ये खूबसूरत लग रही हैं तो इस तरह से ये धीरे धीरे जलने लगती हैं और जल करके काफ़ी लंबे टाइम तक जलेंगी और बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती रहती हैं यहाँ पर मैंने लास्ट वाली बत्ती क्या हुई थी कि गिर गई थी पानी में और फिर उसका पूरा पानी पानी पी ली थी तो इसलिए फिर हमने नहीं इस्तेमाल किया उसका वो जल नहीं रही थी तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि रुई को अच्छी तरीके से तेल में डिप करके फिर यहाँ पर हम इसमें लगाएंगे अब हम बता दूँ कि यहाँ पर मैंने अगर आपके पास रुई बाती नहीं है तो आप इस तरह से रक्षा सूत्र भी ले सकते हैं उन्हें छोटे छोटे पीस में काट करके और फिर उसे जला दीजिए इस तरह से पत्ती के बीच में प्लास्टिक वाले के बीच में डाल कर और मैं बस बताऊँ कि रुई से ज़्यादा बेस्ट तो मुझे ये रक्षा सूत्र वाला लग रहा था कितना ज़्यादा अच्छी तरीके से जल रहा था और बहुत ही अच्छी तरीके से ये हमारे यूज़ में भी आया तो इस तरह से आप बहुत ही अच्छी तरीके से इस दिवाली में अपने घर को सजाइए और इंजॉय कीजिए तो फ्रेंड्स हैप्पी दिवाली एंड राधे राधे